हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू आर वॉचिंग आरविक एकेडमी। मैं संदीप सैनी। लास्ट क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 5.1, तो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। तो जो आपका टेबल है उसमें तो आपका सिंपली एक फॉर्मूला लगेगा, क्या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी। वेयर ए एन इज द लास्ट टर्म, मीन्स जो आपको फाइंड आउट करना है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म एन इज द नंबर ऑफ टर्म एंड इज द कॉमन डिफरेंस। इज दैट क्लियर? एंड कॉमन डिफरेंस इज द लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए वन बाय वन एक ही क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, नाउ सपोज आपको टेबल में का फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू गिवन है 7, बी इज इक्वल टू गिवन है 3, एन इज इक्वल टू गिवन है 8, फाइंड द एन। एन आप फाइंड आउट कर सकते हो, एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इनटू 2। तो नाउ 8 7 प्लस 10 इज हाउ मच, 8 माइनस 1 इनटू 3 इज 3। तो दिस इज 7 प्लस 7 इनटू 3 21 इज इक्वल टू 28। तो आपका जो एन की वैल्यू आएगी वो आपका 28 आएगी, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ सेकंड, अब ये आपका जो टेबल है ना, आप एन प्लस एन वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, 4 अननोन है, 3 गिवन है, 8 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट मत करिए। चलिए नेक्स्ट, आपको बताना है सेकंड, चेक चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, मींस 30 टर्म फाइंड आउट करनी है आपको, 30 टर्म ऑफ एपी आपका 7 10 कॉमा 7 कॉमा 4 कॉमा दैट्स ऑल, मींस क्या होगा 30 टर्म। ठीक है, 30 टर्म। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 10 कॉमा 7 कॉमा 4 अप टू दिस, तो यू कैन से ए इज इक्वल टू 10, d is equal to last minus first means 7 minus 10 is equal to minus 3। ठीक है, तो 30 means n is equal to 30 term find out करेगा। तो a 30 is a plus n minus 1 into d। ठीक है, a is 10 plus 30 minus 1 into d is minus 3। तो now 10 into 29, 10 plus 10 plus 29 into minus 3। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो 9 3 जस 27, 2 6, 6 और 2 8, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 77 इज द करेक्ट आंसर। तो ए 30 प्लस माइनस 70 मींस आपका 77 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सेकंड पार्ट आप कर सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, थर्ड इज आपको बॉक्स गिवन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट इज आपका बॉक्स गिवन है, टू बॉक्स आपका ये है एंड दिस इज द 26। वी कैन फाइंड दिस, दिस इज ए, ए इज इक्वल टू 2, दिस इज ए एन, ए एन इज इक्वल टू 26 एंड एन इज इक्वल टू 3। तो यू कैन फाइंड दिस, दिस नंबर हाउ, अब डी फाइंड आउट कर लेंगे और डी फाइंड आउट हो जाएगा तो यू कैन फाइंड आउट द सेकंड टर्म। तो डी के लिए आप क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू व्हाट इफ, या इसका एक ऑप्शन और है मैं वो भी बताऊंगा, एक टाइप ऑफ कैसे आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, डी इज फाइंड आउट करना है। तो ए एन इज 26, ए इज 2 प्लस एन इज 3 माइनस 1 इनटू डी। तो नाउ 26 इज इक्वल टू 24 प्लस इज इक्वल टू 2d एंड डी इज इक्वल टू 12 इज द आंसर, मींस डी आपका 12 आया था, यहां पे बॉक्स में क्या आएगा 2 प्लस 12 इज 14, 14 इज द आंसर एंड 26 माइनस 14 आल्सो 12। ठीक है, अच्छा एक इसका सेकंड मेथड और क्या है मैं आपको बता देता हूं। सेकंड मेथड ये है कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, जो आप a1 लिखेंगे तो a इज इक्वल टू 2 एंड a प्लस b के पास एनी फाइंड आउट करना, देन a प्लस 2d इज
26, a की वैल्यू कितनी है, 2 plus 2d is equal to 26, 2d is equal to 24 and d is equal to 12. एक मेथड आपका ये है, ठीक है, एक ये है, इसी से आप कर सकते हैं, ठीक है, चलो, next, बेटा मेरे पास बुक नहीं है आज, मैं फोन से आपके क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, ठीक है, उससे आप कंफ्यूज मत हो जाना, चलिए आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करके रखो, ठीक है, चलो, नाउ इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन टिक कर लो, ठीक है, बताइए कौन सा करना है, हम इसमें से फोर्थ वन करें, चलो फोर्थ करते हैं, थर्ड पार्ट का आपका फोर्थ क्वेश्चन इज, आपके पास है -4, एक बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, अगेन बॉक्स, एंड अगेन, फोर बॉक्स है, और दिस इज 6, ठीक है, तो सेम आपका सिमिलर a is equal to 4 एंड दिस इज a n is equal to 6 1 2 3 4 5 6 तो n is equal to 6 ऑलरेडी ठीक है तो d फाइंड आउट हो जाएगा a n is equal to a plus n minus 1 into d a n is 6 a is 4 plus n minus 1 means 6 minus 1 into d तो ये आपका जाएगा 2 is equal to 5d and d is equal to 2 by 5, I think. सही कर रहे हैं? Sorry, a is equal to minus 4 है बेटा. This is minus 4, ठीक है? इसमें confusion नहीं होना. तो ये plus इधर 10 हो जाएगा. 10 हो जाएगा और d is equal to 2 आ जाएगा. ठीक है? अब जब d is equal to 2 है तो बता सकते हो आप? इसमें 2 ऐड होगा तो minus 2. इसमें होगा तो 0. इसमें होगा 2, इसमें 4. That's it. ठीक है? Correct हो? चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरे को बताओगे फोर्थ क्वेश्चन विच टर्म ऑफ एपी आपको फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको बताना है विच टर्म ऑफ एपी एपी आर क्या है एपी 3.8.13.18 दैट्स ऑल 17 आपको n फाइंड आउट करना है मींस an गिवन है आपको पता है कि 78 टर्म आपका कौन सा टर्म 78 टर्म आप बता सकते हो ठीक है विच वन देखो ap गिवन है a is equal to 3 d is equal to a minus 3 is 5 and n is equal to फाइंड आउट करना है an is equal to गिवन है आपको 78 तो लगाइए आप फार्मूला पता है आपको an वाला तो an is equal to a plus n minus 1 into d an is 78, a is equal to 3 plus n is n minus 1 into d is आपका 5, ठीक है? तो इधर आ जाएगा, this is 75, is equal to 5 n minus 5, is that clear? और ये इधर आ जाएगा, 80 is equal to 5 n and n is equal to 80 by 5, इसको इस second cancel कर सकते हो? करिए कितना आएगा? 5 बन जा, 5, 5 6 जा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 तो दिस इज द 16th टर्म ऑफ दिस AP इज दैट क्लियर चलिए फिफ्थ वन जल्दी करिए बेटा मेरे पास आपके पास टाइम नहीं मेरे पास भी टाइम नहीं तो जल्दी से जल्दी टाइम को कंज्यूम करिए ठीक है और प्लीज मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे मैं आपको टोटल एनसीईआरटी 10 का टोटल मैथ का और रिफ्रेशर बुक के भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आरडी शर्मा से ठीक है चलिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ये दिस तो आप फाइंड आउट कर सकते हो ये हमने सेम किया ठीक है चलिए 6 1 चेक वेदर 1 -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी देखो हमें चेक करना है अगर आपका n की वैल्यू मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स आता है तो दिस इज अ टर्म ऑफ एन एपी अदरवाइज नॉट चेक कर दे आपको करना है 6 1 इज चेक वेदर 150 is a term of the APR 11 8 5 and 2 आपका AP equal है आपको चेक करना है कि minus 150 is का term है या नहीं है तो आप कैसे करेंगे A is equal to given है 11 B is equal to given है 8 minus 11 this is minus 3 and AN is minus 150 if लगा होगा ठीक है तो a n is मैं फॉर्मूला लिखा हूँ n is to a plus n minus 1 into d
AN is 180 plus, sorry, this current, this is not 180, this is minus 150. 150 check karayen, this is A 11 plus N minus 1 into D is minus 3. So minus 150 is equal to 11 minus 3N plus 3. ठीक है, तो 3 को और इसको ऐड किया, 150 है, this is 14, तो minus 150 minus 14 is equal to minus 3 है, तो आपका जाएगा minus 164 is equal to minus 3N. क्लियर, तो N is equal to minus N plus हो जाएगा, N is equal to 164 upon 3, तो 3 5s are 15 and 3 2s are 12 point something. तो minus 150 is not an term of necessity. तो ये इसका term नहीं है. तो one minus 150 इस series में कहीं पर भी नहीं आएगा. This is the answer. ठीक है? तो minus 150 is not an term of necessity. Is that clear? चलिए. समझ आया? बेटा जब आपका multiple of integer आएगा ना, divide करने के बाद n की value, तो you can say this is the term of necessity. But अभी तो आपका point में आ रहा है. फ्रैक्शन में दिस इज नॉट एन एपी, ये इंटीजर का मल्टीपल नहीं है, तो यू कैन से माइनस 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी. क्लियर, चल 6 क्लियर हुआ आपको. सिक्स के बाद हम बात करते हैं सेवन क्वेश्चन इज दैट सेवन इज द फाइंड 31st टर्म. Find 31st term of AP whose 11th term is 38. आपको 31st term find out करनी है. Whose 11th term is 11th term. 11th term is 38. Means A plus 10B is equal to 38. Equation 1. And sorry for disturb. ठीक है. 31st आपका ये हो गया. And 16th term is 73. A plus 15 D is equal to 73. This is equation 2. इसको आप क्या करेंगे? Cancel minus minus minus. ये cancel out हो जाएगा तो minus 5D और ये आपका minus का कितना बचेगा? आप side में less करते हो 73 minus 38 तो 13 से 8 less होगा तो क्या बचेगा? 13 से 8 less जाएगा. बोलो बेटा 5 को and 6 को 3 3 35 आएगा. तो दिस इज माइनस 35 तो डी इज इक्वल टू 7 आ रहा है. डी की वैल्यू 7 आ रहा है. ठीक है, और ए की क्या आ गई? ए की जो फाइंड आउट करो ए प्लस 11 इनटू 7 इज इक्वल टू 38. तो दिस इज 77. ए प्लस 77 इज इक्वल टू 38. ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 38 माइनस 77. 77 से आप 38 लेस करेंगे तो 7 से 8 गया कितना बचेगा बोलो 9. ठीक है, और यहां से 6 से 3 39 आ जाएगा और वो भी माइनस का है. ए इज इक्वल टू माइनस 39. इज दैट क्लियर, समझ आ रहा है भाई? हां जी. चलिए, ए की वैल्यू है आपकी, डी की वैल्यू है, तो यू कैन फाइंड द 31st. तो ए 31st इज ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी. ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस 39 प्लस एन इज n is 31 minus 1 into d. d कितना है? 7 आ गया ना ऑलरेडी, तो 7. a 31 is minus 39 plus 38. 13 into 7 210 plus क्या? तो 210 से आपका 39 less हो जाएगा. 0 से less होगा 1. 10 से 3 7 and 1 177. a 31 is 171. ठीक है, clear? आया समझ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा. एट आज इस एक्सरसाइज के मैं 10 फिनिश कर दूंगा. 10 में नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा आपको. देखो 5.2 का एट क्वेश्चन. एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ फिक्स थर्ड टर्म इज 12. ए प्लस 2d इज 12. कंडीशन 1 and which one is this? Is 8th question and the last term is
106 और आपकी 50 टर्म है, 50 टर्म का आप क्या क्या है, ये एपी है या आपका ऑलरेडी गिवन है 50 टर्म कंसिस्ट है, तो लास्ट टर्म से मतलब 50 होगा ना, तो a plus 49 d is equal to 106, तो you can solve it and find the 50 टर्म, ठीक है। आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 29 टर्म फाइंड आउट करें, तो a और d फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 47 आ जाएगा, 47d, और यहां पे कितना आएगा, ये माइनस करेंगे तो और 94 आई थिंक, तो 106 एंड 12 दिस इज 494, तो ये होगा 94 माइनस, तो d की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, और a इसमें पुट करेंगे तो a plus 4 equal to 12, a equal to 8 आ जाएगा, तो you can find a 29 कुछ है सर, 8 में a 29, yes, this is 29, तो 29 is a, 8 हो गया, plus n, n is equal to 29 minus 1 into d is 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, this is the 28 into 2, 56, 56 plus 8, so this is 64 is the answer, तो आपका जो a 29 का आएगा, this is the 64, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियोस में करा दूंगा, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, आपका 9 क्वेश्चन स्टार्ट कर लूंगा, तो आपका एपी चल रहा है, क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 9 क्वेश्चन इज, 9 क्वेश्चन इज इन द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन पढ़ लेना आप, एनसीईआरटी ओपन करो, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा, थर्ड टर्म मींस a plus 2d is equal to how much, थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड 8th टर्म, सॉरी 9th टर्म, 9th टर्म क्या होगा, a plus 8d is equal to minus 8, दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, 9th क्वेश्चन में यही गिवन है कि थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 8, ठीक है, आपके पास थर्ड टर्म और 9th टर्म गिवन है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या, a एंड d इजीली फाइंड आउट करें, दो लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, दिस इज माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस 60 इज इक्वल टू 12, देन d इज इक्वल टू माइनस 2, इज दैट क्लियर, आपके d की वैल्यू आ चुकी है, तो आप पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में, व्हिच टर्म ऑफ एन एपी इज 0, ठीक है, अब d की वैल्यू ये है, तो a की फाइंड आउट कर सकते हो, पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, a प्लस 2 इनटू माइनस 2 equal to 4 and a plus a minus 4 is equal to 4, a is equal to 8, a given weight are आपको बोल रहा है कि find आपको बता रहा है कि this term of this ap is 0, कि इस ap का 0 कौन सा term number का term होगा, तो you can find out a n is equal to 0, a is equal to 8, d is equal to this and n find out हो जाएगा, आपका formula is a n is equal to a plus n minus 1 into d, a n is 0, a is 8 plus n minus 1 into d is minus 2, so now this is equal to 8 minus 2n plus 2 and this is equal to 10, 10 is equal to 2n and n is equal to 5, so aapka fifth term aapka is series ka kya hai, 0, series kya hai, a hai 8, d kya hai minus 2, so 6, 4, 2 एंड जीरो, अब चेक कर सकते हो 1 2 3 4, तो फिफ्थ नंबर का आपका जीरो ऐसे भी आ रहा है, आपने ये बाय मैथमेटिकली फाइंड आउट किया, तो ये भी आपका जीरो, इसमें कोई डाउट है आपको, आई थिंक तो नहीं होना चाहिए, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 10 क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से लिखिए, इसको नोट कर लेना बेटा, एनसीईआरटी ओपन कर लो, आपके पास एनसीईआरटी होगी, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर इज 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इज 10 टर्म बाय 7, देखो आपको बोलना है कि 17 टर्म इज एक्सीड बाय 10 टर्म, 10 और प्लस कितने से 7 से, ये बोल रहा है कि जो आपका 17 टर्म है, ठीक है, वो आपका 10 टर्म से 7 जा रहा है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो 17 टर्म क्या होगी आपकी, a plus 16d
is equal to 10 term means a plus 90 and plus 7 ऐसे कैंसिल, तो इसमें से लेस करेंगे तो क्या आएगा 7 ये आ जाएगा आपका और ये इधर आएगा बेटा, तो दिस इज 70 एंड दिस इज 7 एंड दिस इज इक्वल टू 1। आपका पूछा क्या था, उसने पूछा था कि कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना, तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज d, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 इज दिस। सो मैं बोला था कि 17 का था वो क्या था, वो 17 टर्म था, इससे 7 टर्म से 7 एक्सीड था, 7 ज्यादा था, किससे 10 टर्म से। तो आपको इजीली फॉर्मूला पता है, 17 टर्म क्या लिखो निकलेगी, a plus n minus 1, n minus 1 means 17 minus 1 16 हो जाएगा, and 10 is a plus 90, एक्सीड कितना है 7 को प्लस 7 इक्वल क्या, तो d is equal to 1, is that clear? Now, all your question, बेटा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, ज्यादा से ज्यादा, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। 11 क्वेश्चन इज, विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी गिवन है आपको, विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी इज 3, 15 एंड देन 27 एंड देन 39, वो बोल रहे हैं कि ये आपका विल बी 132, विल बी मोर देन 54 टर्म। आपको बताना है n बताना है, ठीक है, n क्या बताना है, सुनो पहले समझो, विच टर्म मींस ये आपका ap है, ये आपका ap है, तो इसमें ये बताना है कि आपका जो 54th टर्म होगा उससे 132 ग्रेटर मींस उससे ज्यादा, जो आपका 54 टर्म आएगा उसमें हम 132 ऐड करेंगे, तो फिर आपको बताना है कि वो जो नंबर आएगा वो इस सीरीज में किस नंबर का टर्म, विच नंबर ऑफ, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो फर्स्टली इसमें आप ए एंड बी ये तो गिवन है ही ऑलरेडी, आप ए लिखेंगे, ए इज 3, बी इज 15 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो नाउ ए एन इज 54 मींस 54 टर्म क्या होगी, ए 54 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, n को रिप्लेस करेंगे 54 से, a कितना है 3 प्लस n इज 54 माइनस 1 इनटू d इज 12, क्लियर। a 54 क्या आ गया आपका, सॉरी 54 a 54 इज 3, इसकी मल्टीप्लाई 53 है, 3 प्लस 53 कितना हो जाएगा, ये आपका 53 बचेगा और ये 12 6 3 12 5 60 63, एंड दिस इज विल बी इक्वल टू 3 सॉरी 639। तो a 54 आपका कितना आया, 639, ठीक है, ये बात समझ आई आपको। अब वो बोल रहे हैं कि इसमें 132 मोर देन है, 132 मोर देन है, इट मींस इसमें आप क्या करेंगे, अब आपका जो an आएगा वो आएगा 132 प्लस 639, दिस इज व्हिच इज इक्वल टू 771। तो आपका an ये है, तो आपको बताना है कि ये जो नंबर है ये इस ap का which number means this which diagonal means which number means कौन सा नंबर है इस AP का, ठीक है, समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ये आपका AP है, इसमें 1 2 3 4 ये आपका 5 6 जो भी है टर्म है आपका D given है, तो ऐसे ऐसे करते हुए आपका जो नंबर आएगा एक एंड में कहीं पे आएगा 771। तो ये बोल रहे हैं कि वो which number means कौन से प्लेस पे आपका ये नंबर आएगा वो आपको बताना है, मींस n की वैल्यू आपको बतानी है टू बी फ्रेंड, ठीक है। अब बताइए इसमें an आपका ये 771 हुआ, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, n फाइंड आउट करना है, a आपका 3 है, n क्या है फाइंड आउट करना है 1 2 12, एंड दिस इज 771 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12 एन माइनस 9, is that clear? तो hence 780 is equal to 12 and n is equal to 60. तो number आपका 60 आएगा, तो ये आपका किस number, कौन से number की term होगी? ये 16th number की term. This is the 16th term of an AP. This AP, okay? Is that clear? Okay, चलिए next. ये बेटा समझ आया आपको? बहुत अच्छा question था. 12
रीड करो जल्दी से, एनसीईआरटी आपके पास है, जल्दी से रीड करिए। 12th क्वेश्चन, 12th वन इज 2AP, 2AP है, have the same common difference, the difference between their 10th 100 term is 100, what is the difference between, okay, देखो 12th क्वेश्चन, suppose आपके पास दो AP हैं, एक AP मैंने ले लिया A1, A is equal to something, and second मैंने ले A ले लिया, A plus B ले लिया, that's all, second मैंने जो AP ली वो मैंने B ले ली, B plus B ले, that's all, is that okay, इनका common difference same है दोनों का, इसलिए मैंने डी लिया, ठीक है, बट फर्स्ट टर्म ये आपका कॉमन नहीं है, तो मैंने कंसीडर किया ए डी, तो बोल रहा है कि जो आपका 100 टर्म है, 100 टर्म मींस ए 100 जो आपका आएगा वो क्या आएगा यहां पे फर्स्ट ए में, फॉर फर्स्ट ए मींस ए प्लस 99 डी, क्योंकि डी तो कॉमन है, इक्वेशन 1 लिख सकता हूं बिल्कुल ऑब्वियसली। सेकंड उसने बोला इसी आपका 100 टर्म होगा सेकंड ए डी का, दिस इज 81 and this is 82, clear? ये बात समझ में? इसी का आपका 100 term means d 100 is equal to how much d plus 99d, ये बात समझ में? ठीक है? अब आपको बोला है कि इन दोनों का difference उसने कितना दिया? 100 दिया, कितना दिया? 100 दिया है, तो अगर मैं a plus 99d minus b minus 99d इस कर दिया लिखता हूँ 100, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी मेरा क्या है 100, ये बात समझ आई आपको, इज दैट क्लियर? तो उसने पूछा है कि सेम सीरीज है उसमें आपका 1000 टर्म फाइंड आउट किया, कितना 1000 टर्म और उसका डिफरेंस आपको बताना है, तो वो इजी, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए 1000 फाइंड आउट, तो वो क्या होगा, ए प्लस 999 डी हो जाएगा, ठीक है, ए तो आएगा, ये d common difference same है आपका, this is equation 2, 3 and b 1000, तो second series है उसमें 1000 term is a plus 9, sorry यहाँ पे b आ जाएगा, b plus 999 d, ये बात समझ आया, तो this is equation 4, अब बोला है कि इन दोनों का difference बताना है आपको, तो कर दो इनका difference, a plus 999 d minus b minus 999 d, this is equal to, इससे कैंसिल क्या बचा गया, a minus b आया, b minus b की वैल्यू इज 100, तो आपका जो डिफरेंस आएगा 1000 टर्म का सेम आएगा, कितना 100, is that clear? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए cause the video I noted down, please next question is 13, is how many three digit number are divisible by 7? देखो ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 13 जल्दी जल्दी करिए, how many three digit number are divisible by 7? आपको बताना है कि how many three digit number, three digit कहाँ से start होता है बता सकते हो, how many three digit number आपका 100 से start होगा, 100, ठीक है, तो बोल रहे हैं और यहाँ पे एंड कहाँ पे होगा, 9 9 9, ठीक है, ठीक है, बोल रहे हैं कि इसमें आपको बता रहे हैं कि कितने नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, बेटा 7 से पूछ रहा है, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, 7 से बताना है कि डिविजिबल कौन से होंगे, आप या 7 से डिविजिबल है, नहीं है, 7 बन जा, 7 3 0 नहीं कटेगा, अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ 7 बन जा, 7 3 1 नहीं कटेगा, 3 ले लूँ 7 बन जा, 7 3 3 नहीं कटेगा, 4 ले लूँ 7 बन जा, 7 and 3 4 नहीं कटेगा, अगर मैं यहाँ पे 105 लेता हूँ तो मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, समझ आया, देखो हम बात करेंगे डिविजिबल बाय 7 से, तो 7 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर आपका 105 होगा 3 डिजिट का, इससे पहले आपका जितने भी नंबर आएंगे ना 100 101 102 ये सब 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, अब ये डिविजिबल है तो मेरे फर्स्ट टर्म मींस a इज इक्वल टू 105, इज दैट क्लियर, अब लास्ट टर्म की बात करेंगे,
अब लास्ट टाइम भी क्या होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये 7 से डिविजिबल है, 7 बन जा 7, 2 7, ये भी नहीं होगा ठीक है। अब 9 9 8 चेक करो, 7 बन जा 7, 2 9 7 4 जा 28 एंड 1, ये भी नहीं होगा। अगर मैं यहां पे 4 लेता हूं, 7 बन जा 7 2 9 ठीक है, 7 बन जा 28 एंड 1 4 ये हो जाएगा। तो आपका जो लास्ट टाइम आएगा वो क्या आएगा, 994, इज दैट क्लियर। तो अब आपको ना ए एन पता है, ए पता है, एन डी क्या है आपका डिविजिबल बाय 7, 7 पता है, तो यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ एन, हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 7, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी, तो यू कैन फाइंड द एन, ए एन इज 994, ए इज 100 प्लस एन इज एन नंबर ऑफ फाइंड आउट करना है एन डी इज, तो दिस इज 7 एन माइनस 7 प्लस 100 इस पर जो 994 मैंने इधर लिख लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे। आप क्या कर सकते हो, इस 7 को उधर ले जाओ या इसी में से लेस कर दो, तो 7 है इसका जो यहां से क्या बचेगा 93 में से इसको लेस करेंगे तो 7 n इक्वल टू 901 आई थिंक ये बचेगा। तो इसको आप सॉल्व कर दो, 7 बन जा 720, 7 टू जा बेटा 901, तो आप 7 से डिवाइड कर सकते हो, ऐसे मैंने यहाँ पे सही किया है, 7 बन जा ठीक है, 7 हो गया ये आपका 7 है हो गया आई थिंक ठीक है। तो 7 बन जा 720 सर, 7 टू जा 14 61, बेटा ये तो नहीं हो रहा इससे डिवाइड, हाँ जी कहीं तो मिस्टेक किया है आपने, हमने 105 लिया था, ओ सॉरी बिग डेटा, दिस इज द 105, फर्स्ट टाइम आपका कितना है 105, और 105 इसमें से लेस करेंगे तो यहां पे क्या आएगा 105 इज 98, अब 98 लेस करना है इससे ना, तो आपका 98 लेस करिए किससे, 994 से 98 लेस करेंगे तो 14 में से कितना जाएगा 12, 6 बचेगा एंड दिस इज 8, 18 से 9 बचेगा, 8 बचेगा, इसको 7 से करो, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, तो 14 या पे 6, 14 56 है ये आ जाएगा 128। तो आपके जितने भी 3 डिजिट नंबर आएंगे वो आएंगे n इज इक्वल टू 128। बेटा आप थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे, कुछ नहीं करते, हमने एक ही रेंज ना 100 से 105 ले, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 7n = 896, एंड इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करके आपका 128 आएगा। तो नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर 3 डिजिट के कितने नंबर आएंगे तो 7 से डिविजिबल होंगे 128, इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट 128 30 हो गया आपका, चलिए 14 की बात करते हैं, 14 क्या है जल्दी से रीड करिए, 14 क्वेश्चन इज हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 टू 250, या ऐसे खुद ही करें, खुद कर लेना इसको ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, आपका ये हो चुका है। नेक्स्ट इज 15, 4 व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ एन ab एंड दिस इज इक्वल। अब बेटा देखो इसमें तो आपका क्या है ab गिवन है, an फाइंड आउट करेंगे हम, उसको इक्वल पुट करेंगे वहां से n की वैल्यू फाइंड, चलिए फॉर व्हाट वैल्यू 15 क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 ab 63 65 67 एंड 3 10 एंड 70 आर इक्वल। तो आपका 63 है ab, 65 है एंड 67 दैट्स ऑल, सेकंड ab आर 3 10 17 इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 63, d की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे a की वैल्यू 3, d की वैल्यू 10 माइनस 3 7, तो यहाँ से आप an निकाल सकते हो, an is equal to a plus 63 plus n minus 1 into d is कितना आया d 2 ठीक है। तो ये आपका n, और इस वाले सीरीज का n an is equal to
ए थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू डी सेवन, इन दोनों को इसके इक्वेट कर दो, इक्वल है तभी तो की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने। तो दिस इज 63 प्लस एन में टू एन माइनस टू इज इक्वल टू ये लिखा 3 प्लस 7 एन माइनस 7, 7 एन माइनस 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट कर लीजिए आप, देखो 63 में से 61 बचेगा, दिस इज 2 एन, इसका ये लोग यहाँ पे आपका 7 एन माइनस 4 बचेगा। अब 7 एन को अगर मैं इधर लाऊंगा 2 एन है बेटे, 7 एन को मैं इधर लाऊंगा तो 5 एन बचेगा, और इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस 65 हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी, ठीक है, n इज 13, इज दैट क्लियर, तो n की वैल्यू आपकी 13 है। चलो 16 जल्दी जल्दी से हैंग से ले लो, आपका 16 क्वेश्चन क्या है, चलिए 6 जल्दी से बताइए 16 को। 16 इज डिटरमाइन ए की कोस थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्स इज टर्म बाय द रिप्लाई, ये बेटा मैंने करा दिया अभी क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 10, 10 इक्वल है, ठीक है, 16 इज डिवाइड ए की बताना है जिसका थर्ड टर्म इज 16 है एंड सेवन टर्म क्या है एक्सीड है, इससे देखो इसमें कंडीशन ये है सॉल्व आप कर लेना, मैं कंडीशन लिख देता हूं, 16 है डिटरमाइन ए की उस थर्ड टर्म इज 16 मींस ए प्लस 2d इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म से, आपका जो सेवन टर्म है ए प्लस 6d वो क्या है फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है 12 ज्यादा है, फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d हो जाएगी उससे कितना है 12 ग्रेटर, ठीक है, ये दो कंडीशन है यहां से आप ad का फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए 17 पर जाइए, 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन इज फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ab इज दिस, बेटा इसमें कुछ नहीं है ये बड़ा इजी है, 17 क्वेश्चन इज 17 क्वेश्चन है फाइंड द 20 टर्म, 20 टर्म फाइंड आउट करनी है आपको मींस a एंड a 20 फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या कंडीशन क्या है आपका जो लास्ट टर्म ऑफ एन ab इज दिस टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ab, ओके इसमें आपको 20 टर्म फाइंड आउट करनी है और वो करनी है लास्ट से पीछे से करनी है, देख लो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका है APR 3 8 13 25 3, ठीक है, अब इसमें पीछे से क्या करेंगे इधर से लास्ट से हम चेक करेंगे, इसमें देखो इसमें D फाइंड आउट कर लो, A इस पर 2 इसमें 3 है बट हम लास्ट से करेंगे तो उल्टा लिखेंगे इसको 2 5 3, और D कितना है D देखो D यहाँ से मैंने लेस किया D आ जाएगा मेरा 8 माइनस 3, अगर मैं इधर से लेके जा रहा हूँ तो मेरा कितना आएगा 5 आएगा बट मैं उधर से ला रहा हूँ तो मेरा माइनस 5 डी आएगा तो D इज माइनस 5 तो मैंने माइनस 5 किया, ठीक है, तो 2 5 3 में से माइनस 5 कर लिया यहाँ पे क्या बचेगा 48 तो 2 5 3 2 4 8 दैट्स ऑल माइनस 5 करेंगे तो 2 4 3 ऐसे आ रही सीरीज आ रही, तो इसमें आपको बताना है कि 20 नंबर का सीरीज कौन सा है, लास्ट से चेक करो तो a 20 इज इक्वल टू 253 प्लस 20 माइनस 1 इनटू d इज माइनस 5, ठीक है, तो आप बता सकते हैं 253 प्लस 19 इनटू माइनस 5 तो 19 ये कितना आ जाएगा माइनस 95 253 माइनस 95 ये लेस कर 253 एंड 95 को लेस कर सकते हो दिस इज 8 एंड 14 में से 9 लेस हो तो 5 1, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा a 20 टर्म जो आएगी वो आपकी 158 है, इज दैट क्लियर, समझ आ रही है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मुझे लास्ट से 20 टर्म फाइंड आउट करना, तो a आप 253 उसके बाद आप इसको चेक करो, ठीक है। चलिए अब मैं करूंगा आपका 18 क्वेश्चन, आई होप कि समझ आया होगा बेटा आपको, ठीक है, चलिए दिस इज 17 एंड अब आप करेंगे 18 क्वेश्चन, इट इज द सम ऑफ द फोर्थ एंड सिक्स्थ टर्म आर 24, 18 क्वेश्चन में द सम ऑफ द फोर्थ टर्म एंड एट टर्म मींस ए आपका फोर्थ टर्म का और सम ऑफ द फिफ्थ टर्म, देखिए कंडीशन देखिए फोर टर्म प्लस एट टर्म उसका सम कितना इवन है आपको दिस इज 24
and 6th term and 10th term is, and the sum of 6, 6 plus 10 is, aapko given hai how much? This is given 44. Find the first 3 term. Beta bata sakte ho? 4 term kya hai? A plus 3D. 8 term kya hai? A plus 7D. Is equal to 24. So this is 2A plus 10D. Is equal to 24. Ya phir aap likh sakte ho A plus 5D. Is equal to 12. Equation number 1. Ab yahan se aa jaiye. A plus 5D plus A plus 7 term is 6D. Is equal to 44. And 2 to 2A, AA to 2 ho jayega plus 11 D is equal to 44. Ab kya karenge? This is equation 1, this is 2. Ab ye wali consider kar lo. This is 2A plus 10 D and 24. Main kya karunga? Minus minus minus. Cancel out. This is D is equal to 20. So D ki value kitni aayi aapki? 20. So D difference kitna aaya? 20. A kitna aayega? Isko root kar do. A plus D 5 into 20 is equal to 12. ठीक है, तो दिस इज 100, a इज इक्वल टू 12 माइनस 100, और 12 माइनस 100 मींस 18, माइनस 18, a की वैल्यू आपके आ जाएगी माइनस 18, तो आप सीरीज बता सकते हो, a माइनस 12 आपका जो d है वो 20 ऐड कर दी जाएगी, माइनस 88, माइनस 68, माइनस 48 लाइक दिस, ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट करें, 90 क्वेश्चन इज बेटा दो क्वेश्चन बचे हैं जल्दी से मैं हिंट्स देता हूँ कर देना ठीक है चलिए उन 19 क्लियर करो जल्दी एनसीईआरटी से 19 इज सुभाष राव स्टार्ट वर्क सैलरी आपका कितना है एनुअल सैलरी इसका एनुअल सैलरी है कितना 5000 रुपीस 5000 एंड इंक्रीमेंट इज 12 डी इज इक्वल टू 200 एंड ए दिस इज ए ए इज इक्वल टू 5000 एंड ईच ऑफ द ईयर इन व्हिच ईयर डिड हिज इनकम इज दिस तो मींस आपका 7 an इज इक्वल टू 7000 गिवन है ठीक है an 7000 गिवन है इसका इक्वल टू a कितना है 5000 प्लस n माइनस 1 इनटू d इज 200 तो यहां से आपका n आ जाएगा जो जाएगा 2000 इसमें से लेस किया तो 2000 बचेगा दिस इज 200 n माइनस 200 अब ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2200 इज इक्वल टू 200 n इनसे कैंसिल तो n की वैल्यू आ जाएगी 11 11 ईयर में आपका इनकम कितना हो जाएगा 7000 इज दैट क्लियर चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 रामप्री सेव रेट 5 उसने 5 रुपीस सेव किए हैं ठीक है तो a इज इक्वल टू आपका 5 रुपीस 5 इज दैट क्लियर एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग तो वीकली सेविंग आपका फर्स्ट वीक में है तो सेकंड वीक में जो आपकी सेविंग आएगी वो क्या आएगी 5 प्लस 1.75 थर्ड वीक में आएगी 5 प्लस 2 इनटू 1.75 मींस a इज इक्वल टू दिस वन d इज इक्वल टू 1.75 एंड आपको बताना क्या है सेविंग बिकम 20.75 सेविंग बिकम 20.75 तो मींस आपका जो ए एन एन कितने 20.75 तो आप बता सकते हो एन नंबर ऑफ वीक उसके लिए क्या करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इनटू डी ए एन इज 20.75 इज इक्वल टू ए इज 5 प्लस एन फाइंड आउट करना है माइनस 1 इनटू डी इज हाउ मच 1.75 ठीक है इसको ले लो 20.75 is equal to 5 plus 1.75 and minus 1.75. Is that clear? So this is 1.75 और ये 5 है ये minus है. तो इसको less कर सकते हो. आप ऐसे कर लीजिए 500 minus 1.75. यहाँ पे 0.25 बचेगा और यहाँ पे 4 minus 3 बचेगा. और वो इधर आएगा तो 20.75 minus 3.25. तो जाएगा 05.17 तो आपका बचेगा 17.50 इज इक्वल टू 1.75 ठीक है अब यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो ठीक है n इज इक्वल टू आप इसको सॉल्व कर लेना 17.50 अपॉन 1.75 तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है क्लियर इसको n को सॉल्व कर लेना ठीक है
चलिए अभी आपका यही पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप आज का मैराथन चलेगा मैथ का ना, आपका बहुत टाइम आपका वेस्ट हो गया ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक टाइम, ठीक है। तो नाउ अब आप पंक्चुअल हो जाइए, एक्टिव हो जाइए, ये मत सोचिए कि आपका आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।